भाई इस भी तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर हुई। वैसे प्रिपरेशन जितनी थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी हुई। लेकिन मसला ये है कि बंदे बहुत ज़्यादा थे। अभी हमारे बैच में तकरीबन 70 के करीब बंदे थे। तो ये तो सिर्फ हमारा मतलब क्वाड का सेंटर तो नहीं है ना, कुछ रनवाला भी है, मलियर भी है। तो तीनों सेंटर के मिला के मतलब जितने हमारे सेंटर में थे तो उतने दूसरों सेंटरों में भी होंगे, कम या ज़्यादा होंगे लेकिन तकरीबन इसके करीब होंगे। इसके अलावा TCC का जो मतलब ISSB है तो पता नहीं वो कितने वक्त चलती है, कम से कम 1-2 महीने तो चलती होंगी। तो इसी हिसाब से बहुत ज़्यादा बंदे थे। तो फिर उन बंदों में खुद को लाना ये बहुत मुश्किल होता है। तकरीबन मेरी ISSB 80% मेरे हिसाब से 80 या उससे थोड़ा ज़्यादा इतनी फीसद मेरी ISSB हुई है। बाकी मतलब मैंने बाज़ोकात मुझसे गलतियाँ हुई है तो वो मैंने मतलब जो परसेंटेज बाकी छोड़ा है तो वो उसके लिए छोड़ा है। वैसे मैं लीडिंग रोल में भी था लेकिन मसला ये है कि एक तो मतलब 2 बजे उठा लेते हैं तो 10 बजे जब आप सो जाते हैं तो 2 बजे उठा लेते हैं तो नींद पूरी नहीं होती। दूसरी बात ये है कि मतलब आपको आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा पहले मतलब बुला लेते हैं, कोई भी काम नहीं होता, बस आपको 1 घंटा 45 मिनट 30 मिनट पहले बुला लेते हैं तो आपको खूब थका लेते हैं। दूसरी बात ये है कि मतलब खाना था तो खाना भी बहुत मतलब हम तो गांव के लोग हैं तो यहाँ पे तो हम आम गंदम का आटा जो है वो गूंद कर हम पकाते हैं खाते हैं। तो वहाँ पे जो थी तो वहाँ पे वो रिफाइन आटा था और रिफाइन भी वो सबसे ज़्यादा जो रिफाइन होती है, तो उस वजह से मेरा मैटर बहुत सख्त हुआ था। और भी बहुत सारे मसले थे तो उस वजह से अगर मैं समझ रहा था कि अगर ये मसाइल मुझे ना होते तो मैं थोड़ा बीमार भी फील कर रहा था, तो हो सकता है कि मैं 100 पे 100% परफॉर्म करता। दूसरी बात यह है कि अगर आप ISBA की तैयारी कर रहे हैं तो साइक की जो जितने भी टेस्ट होते हैं टेस्ट आसान होते हैं, कोई मुश्किल नहीं, इंतहाई आसान अल्फाज होते हैं, उनके जुमले बनाने, जुमले मुकम्मल करने इंतहाई आसान, लेकिन टाइम का इंतहाई बहुत बड़ा इशू होता है। तो मतलब 15 मिनट में पता नहीं कितने जुमले, बस अभी तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो आप अपने लिए देख लें। तो मतलब 75 जुमले आपने कंप्लीट करने होते हैं, एक और 25 और कंप्लीट करने होते, तो 100 ये हुए वर्ड टेस्ट। तो इस पे आप प्रैक्टिस करें, आप किसी से पूछे, किसी एकेडमी से, या मुझे तो अभी याद नहीं है कोई बंदा जिसको याद हो, क्योंकि इतने सारे साइक के टेस्ट होते हैं कि आप भूल जाते हैं। तो उससे पूछे तो आप टाइम पे प्रैक्टिस करें कि अगर आप कि आप टाइम में वो सारे जुमले लिखें। दूसरी बात, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को हमने बहुत गलत सेंस में लिया है। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको वर्ड दिया गया होगा, आपने उसका सेंटेंस बनाना है। अगर ये कबूल है लेकिन ठीक नहीं है, मतलब वो आपको इसको एक्सेप्ट करती है लेकिन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन का जो मतलब है वहाँ पे आपको वो खुद मतलब स्क्रीन पे एग्जांपल दिखा देंगे, तो एग्जांपल में वो एसोसिएट के जुमले लिखते हैं, वर्ड के जुमले नहीं लिखते हैं। तो मतलब सपोज आपको गार्डन दिया गया है तो गार्डन का एसोसिएट क्या है, फ्लावर है, वेजिटेबल्स है, इसके अलावा गार्डनर है, तो आप इन चीज़ों पर जुमले बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर इज द बेस्ट रोज ऑफ रोज इज द बेस्ट फ्लावर, इसके अलावा वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एम्बिशन इज गार्डनिंग। तो इस टाइप के आप जुमले बनाएं तो ये इस पर खूब प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा कम वक्त होते हैं, यकीन कीजिए जब आप जो वहाँ पे चले जाएंगे ना तो आप लिखते जाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ इसको। तो इसलिए साइक कहते हैं कि आपको इतना कम टाइम दिया गया है कि आप उस टाइम में आपने सारे सब कुछ करना होता है, तो आपको समझ नहीं आती जो आपके जहन में होता है, डायरेक्टली वो आपके उंगलियों पर आ जाता है, आप लिख जाते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि हम वहाँ पे अच्छे जुमले बना लेंगे, पॉजिटिव जुमले बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खूबसूरत जुमले बना लेंगे, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल है। अगर आपने यहाँ पे कम से कम 500 वर्ड्स का प्रैक्टिस नहीं किया है, 500 नहीं तो कम से कम 300 तो होने चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि साइक के जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें उन पर काम करें। इसके अलावा OPI टेस्ट होता है, तो OPI टेस्ट में अक्सर 150 MCQs होते हैं, तो उसमें रिपीटिशन होता है, आपसे एक चीज़ 5-6 नंबर पे पूछ देते हैं, जब आप 86 पे आ जाते हैं तो वही चीज़ आपसे दोबारा पूछ जाती है। तो अगर आप का दिमाग मतलब सो या नहीं हो तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें क्या किया है, और उसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो मतलब स्लाइटली एग्री, मोस्टली एग्री, और
उसके बाद यार कोई एक लफ होता है, उसके बाद न्यूट्रल होता है, फिर स्लाइड लीड सिकरी, फिर मोस्टली सिकरी, और फिर स्ट्रांगली। हाँ स्ट्रांगली एक ही, और स्ट्रांगली सिकरी, तो 7 ऑप्शन होते हैं। तो उसमें बाद अवकात मतलब आप एक चीज़ को स्लाइड लीगरी कर लेते हैं तो दूसरी चीज़ का आप मोस्टली एग्री कर लेते हैं, तो ये रिपीटेशन सा होता है, उसमें आपने ख्याल करना है और उसके लिए वक्त भी कम होता है। दूसरा ये कि आपने वहाँ पर बिल्कुल भी तंग नहीं होना है, क्योंकि 5 मिनट का काम होता है, आपको तो पता है फौजियों का, वो कम से कम 1 घंटे में आप पे कराते हैं। साइक का फॉर्म होता है, तो साइक का फॉर्म बंद आ जाता है, वो आपको कहता है कि मैं फॉर्म को पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप बाल पेन उठाएंगे, फिर मैं जब कहूँगा कि लिखो तो आप लिखेंगे, फिर जब मैं कहता हूँ कि ना लिखो बाल पेन रखो तो आप बाल पेन रखेंगे, तो वो मतलब वो एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि कैंडिडेट नेम होता है, तो कैंडिडेट नेम तो वो कहते हैं कि इन दिस पोर्शन यू हैव टू राइट द योर ओन नेम, फिर उसके मतलब फादर नेम होते हैं, तो इन दिस पोर्शन यू हैव टू राइट योर फादर नेम आइदर इन कैपिटल वर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर्स द वे इन विच वे यू वांट टू राइट। तो इस तरह मतलब बकवास बकवास चीज़ यार, ये किसको पता नहीं होता है कैंडिडेट नेम में आपने क्या लिखना होता है या उसके बाद क्या लिखना होता है, मतलब वो तो आपको सिंपल पता होता है कि ये इसमें क्या मांगता है। 4-5 चीज़ें होती जो आपको समझ नहीं आती, तो फिर वो कहते हैं कि बाल पेन उठाए, तो बाल पेन उठा लेंगे, फिर वो कहते हैं कि हाँ लिखना शुरू कर दे, तो आप लिखेंगे, फिर कहते हैं बाल पेन रखें, तो बाल पेन आप रखेंगे, फिर कहते हैं सर ने लिख लिया, हाँ लिख लिया, तो कम से कम आपने 1 घंटा मतलब आप सारी कामों में आपको रखाते हैं, तो आपने तंग नहीं होना है, यहाँ से मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है जो हाल में कम से कम किसी भी काम के लिए आपने हसन साय के काम के लिए आपने 5 घंटे इन वो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं, सारा का काम वो आपको 5 घंटे में करा देंगे। और इसके अलावा जब भी सीटी हो जाए कम से कम मेरे हिसाब से कम से कम 15-20-30 मिनट तक आप लेट जाए, क्योंकि आपको जब वो बहुत ज़्यादा कम वक्त देते हैं ना, तो आपको 30 मिनट तक जो हाल में पड़ा बैठा देते हैं कि ऑफिसर आ रहा है, अभी आ जाएगा, अभी ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप बनाने में भी वो पता नहीं कितना वक्त लेते हैं, तो आपने ख़ुद को मतलब थकाना भी नहीं। और हाँ क्वार्ट अगर जा रहे हैं तो क्वार्ट में लाइट का बहुत ज़्यादा मसला है, तो आप अपने साथ कोई छोटा सा लाइट लेके जाए, और इसके अलावा ये मेंटली बस आप प्रिपेयर होके जाए। वहाँ पे GTO भी आपको अगर आप ठीक कर रहे हैं तो आपको फिर वो और कंफ्यूज करेगा। सपोज मुझे इस तरह कंफ्यूज किया था कि मैंने जब प्लेन में रीडिंग में आया तो प्लेन मुझे सारा दिया, फिर जब मैं प्लेन अच्छी तरह कर रहा था तो उसने मुझे कंफ्यूज करने के लिए ये कहा कि आपके पास 5 सेकंड है, आपके लिए सब जगह अलाउ है, आप कुछ भी करना चाहें तो ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये किया कि मैं डायरेक्टली मैंने जंप किया और उस साइड पे गया प्रोग्रेसिव ग्रुप क्लास में, तो फिर मैं सोच रहा था जब जो ही मैंने जंप किया तो मेरे जहन में कि यार ये मैंने क्या किया, मैं तो अपने पीछे अपने बंदों को पीछे छोड़ दिया और खुद चला गया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह आपको मतलब 5 सेकंड वो भी किस तरह फ़ौरन साके थे, चेस्ट नंबर 15 यू हैव 5 सेकंड यू कैन टच द ग्राउंड, द ग्राउंड इज रिमोट फॉर यू 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह आपको मतलब उनकी तो बातें भी आपको पता है कि जल्दी जल्दी से ये देते हैं, तो इस वजह से वो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपने ये करना है कि आप तो 5 सेकंड में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपने सिर्फ जाहिर करना है कि मैंने ऐसी सूरत हाल में करना क्या है, वो ही जाहिर करना है। तो किसी बंदे को जो हल्का सा होगा उनको उठा लो, उसको फिनिशिंग लाइन के उस साइड पर लेके जाए। और यह भी याद रखें कि अगर ग्राउंड आपके लिए इनबाउंड हुई भी तब भी आप मतलब जिस जगह पे आप खड़े हो वहाँ से भी आप प्लेन कर सकते हैं, ग्राउंड आपके लिए इनबाउंड हुई तब भी आप मतलब जो भी प्लेंक वगैरह या जो भी जो तख्ता वगैरह होता है वो आप रखते हैं, तो वो आप अपनी जगह से भी रख सकते हैं और ग्राउंड इनबाउंड होके भी आप रख सकते हैं, तो इसका बिल्कुल ना सोचें। इसके अलावा कोशिश करें कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन हो या लेक्चर हो उसमें अच्छा परफॉर्म करें, इसके बाद आपको ये मौका मिले कि आप प्लेन को अनाउंस कर सके। अगर आपने लेक्चर अच्छा नहीं किया और ग्रुप डिस्कशन अच्छी नहीं की तो आपको मौका नहीं मिलेगा। अच्छा खुद बखुद आप वहाँ पे इंग्लिश बोल लेंगे, अगर आप थोड़ा सा जहन में रखें कि अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो दूसरी बार आ जाऊँगा कि यहाँ पे जो किसी ने मुझे मतलब वहाँ से नहीं पकड़ना है, हुआ अच्छा हुआ किस्मत में हुआ तो इससे भी अच्छा परफॉर्म कर लूँगा, नहीं तो हो सकता है मैं अच्छा कर लूँ फिर भी मैं नॉट रिकमेंड हो जाऊँ। तो मेंटली बस आप ईजी हो के जाए। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन में जितने भी आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं तो किसी भी फ्रेंड के टॉपिक पे आपने तंज या इस टाइप के मतलब कमेंट नहीं करने कि वो उसे बुरे मालूम हो जाए, कोई गलत भी कहेगा। और तीसरी बात, सबसे अहम बात, ये बात मैं दरमियान में छोड़ रहा हूँ, बाद में डिस्कस कर लूँगा, कि जितने भी आपके ग्रुप के बंदे होते हैं ना तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी अखलाक रखनी है, आपने मतलब चमचागिरी उनकी करनी होगी।
अगर आपका कोई दोस्त उसमें है तो ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आखिरी दिन पे म्यूचुअल असिस्टेंस होता है, तो उसमें आपने वोट्स लेने होते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपने जो भी चीज़ आपको आती हो ना उनको वैसे डिस्कस करें कि आपने ऐसा करना है ऐसा करना है। नहीं भी आती हो तो उनको गलत बताएं, लेकिन आप उनको एंगेज रखें, उनको अपने अंदर वो क्वालिटीज़ बताने की कोशिश करें, ज़्यादा तंग भी ना करें लेकिन उनकी चमचागिरी थोड़ा कर लें कि वो आपको वोट दें। और जो मिलिट्री प्लानिंग है, तो मिलिट्री प्लानिंग में वो आपको पूरा प्लान अनाउंस करने नहीं देते, तो आपने स्टार्ट का प्लान बनाना होगा। याद रखिए इसमें सबसे आम जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सारे वॉइस में मैंने आम चीज़ें बताई, तो आप ऐसा करें कि मिलिट्री प्लानिंग में जो स्टार्टिंग टाइम हो उसको नोट करें, क्योंकि हमें बताया गया था कि 5 PM से 5 AM प्लान है। और ये भी याद रखें कि मैप आपके सामने पड़ा होगा, GTO आपसे 3-4 गज आगे होगा, और वो उस पे उसको मतलब एक पेज पे वो प्लान लिखा होगा, वो जस्ट रीडिंग कर रहा होगा और इतना तेज कि आप नहीं समझ सकते। तो आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि किस टाइम स्टार्ट होगा और किस टाइम स्टार्ट नहीं हो रहा था। हमें बताया गया कि 5 PM से 5 AM ने आपने आपने प्लान करना है, तो मेरे जहन में कि शायद 5 AM से 5 PM, तो मेरे मुझसे ये गलती हुई कि मैं प्लान अनाउंस कर रहा था। दूसरी बात, प्लान सिरे से शुरू करें। तीसरी बात, हर जगह जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते तो आप ये कहें कि इतना टाइम हमने लिया, अब ये टाइम हुआ। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं बस यही मैंने यही कहा कि हम यहाँ से वहाँ चले गए तो इतना हमारा टाइम लगा। तो मैंने जिसमें मुझे कहा कि आप ये भी कहे कि आप अब इतना टाइम लगा तो आप टाइम कितना हुआ और रहता कितना है। और दूसरा ये कि आपको लोडिंग के लिए वो टाइम नहीं बताएगा, तो आप अपने आप से 5-10 मिनट लोडिंग के लिए निकाल लें और ये बताएं। मैं जब ये कहा कि हम यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, इतना टाइम लग जाएगा, फिर वापस यहाँ से जाएंगे, फिर पानी भर के यहाँ से वापस जाएंगे, तो मुझसे उसने कहा कि आपने पानी भरने के लिए तो टाइम नहीं निकाला। तो इस तरह की बाकी डिप्टी का इंटरव्यू भी आसान होता है। डिप्टी के इंटरव्यू में जितने भी चीज़ें आपने सुनी है, कोई भी ये चीज़ें इंशाल्लाह उसमें नहीं आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि आपने यही सुना होगा कि सेक्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और गर्लफ्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन होगा, या मतलब अगर आप नहीं सेलेक्ट हुए, आप आर्मी क्यों आना चाहते। तकरीबन हमारे बंदों में से किसी एक से भी यही सवाल नहीं किया था कि आप ना सेलेक्ट हुए, बस कि एक से सवाल किया था कि आप जो कहे। हर चीज़ के लिए मतलब मुश्किल नहीं होता, आसान चीज़ें होती, लेकिन वैसे बस आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो मेंटली तैयार होके जाना है। दूसरा ये कि जूडियो का जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है ना, तो उसमें होता ये है कि हर बंदा कोशिश करता है कि मैं आगे चला जाऊँ। मतलब इसका मिसाल इस तरह होता है कि आपने 12 बंदे रखे हुए, 12 बंदे होते हैं चूंकि, और प्लान आपने करना होते तो हर बंदा कहता है कि मैं प्लान कर सकूं, तो उसमें पार्टिसिपेशन ये नहीं है कि आप मतलब आप कहें कि ये चीज़ उठा रहे तो आप उठा रहे, नहीं, आपने प्लान करना होगा और प्लान ही पार्टिसिपेशन है। तो आप इस तरह करेंगे कि मिसाल इसका इस तरह है कि अगर आपने एक गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ है, 4-5 कुत्तों को आपने उस पर लगा दिया, तो हर कोई चाहेगा मैं ये लूँ, तो आपको कोई प्लान करने नहीं देगा, मतलब आपको इंगेज करना चाहेगा, आप थोड़ा साइड हो जाए, कोशिश करें कि आप प्लान बनाइए। दूसरे बंदे इंगेज होंगे, वो आपको टाइम नहीं देंगे, लेकिन आपने प्लान बनाना होगा। जब आप प्लान बना ले तो उसके बाद जिस जगह पे वो अटक जाए ना, जिस जगह पे उन्हें मतलब प्लान समझ नहीं आ रहा, वहाँ से आप प्लान ऑपरेट करें, तो फिर GTO खुद आपको मौका देगा, उसकी नज़र में आप खुद आ जाएंगे। और अगर इस तरह नहीं, दूसरा कोई मतलब प्लान कर रहा है, वो आपको प्लान करने भी नहीं देगा, दूसरा जो बंदा होता है वो आपको एंगेज करेगा कि फला ये चीज़ उठा लो, यहाँ पे रखो, आप वहाँ पे चले जाओ, ये चीज़, इससे आप थोड़े पीछे रहे तो आप प्लान कर। और सेमी ग्रुप टास्क में आपने ज़्यादा दोस्तों को सुनना है, कमांडिंग टाइप नहीं करनी सर, मतलब 3-4 बंदे होते हैं तो उनको आपने मौका देना होता है, हर किसी से पूछे कि यार यहाँ पे आपका क्या ख्याल है, तो प्रोग्रेस हसी में ग्रुप टास्क में आपने उनसे भी पूछना होता है। और कमांडिंग में फिर आपने किसी से नहीं पूछना है, कमांडिंग में आपने खुद अपनी एबिलिटीज शो करनी है। GTO के डायरेक्शन से आप नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि इतने तेज वो बोल रहे, और मतलब हर चीज़ में आपको कह दे कि जब आप आएंगे तो इस तरह आएंगे, जाएंगे तो इस तरह जाएंगे, और बंदों को आपने खड़ा करना होता है तो इस तरह खड़े करेंगे, और आपने इन इन बंदों को लेना होगा, ये बंदे ख्याल करेंगे, तो इस तरह आप कंफ्यूज कर लेते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा गौर से सुनने हैं, और जो रीजन इन बाउंड होते हैं, आउट ऑफ बाउंड होते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करनी होती है। हम सारा ग्रुप वहाँ पे अटक गए कि मतलब सफ़ेद रीजन हमारे लिए इन बाउंड है, या सामान के लिए इन बाउंड है, या दोनों के लिए इन बाउंड है, तो यहाँ पे हम जो
प्लेन आगे समझ नहीं आ रहा सारे बंद को, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। GTO के डायरेक्शंस आप खूब समझिए, अगर अभी से आप देखिए कि GTO मतलब आपको कौन कौन से रीजन इन बाउंड बताएगा, कौन कौन से आउट ऑफ बाउंड बताएगा, और अगर हो सके आपके आपके पास टाइम हो, नज़दीक कोई अकेडमी हो, तो उसमें जो GTO के जितने भी टास्क होते उन पर प्रैक्टिस कर लें। इस पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका GTO का वोट पक्का हो गया।